मत दीजिएगा, मसाले वो सारी प्लेट वाले इधर दे दें मत। अभी कम ही डाल रहा हूँ, फिर बाद में इसको चेक कर लूँगा, ठीक है? हाँ ये कर लूँगा। तो रेड चिली पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर, ये जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये है पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, ठीक है? ये ब्लैक पेपर दीजिएगा। फ्राई पैन लाए पीछे से छोटा वाला, ब्लैक पेपर पाउडर, वाइट पेपर नहीं डालिएगा, ब्लैक डालिएगा। अभी हमने ये डाल दिया, थोड़ा सा हमने भूनने के बाद ये सब इसमें डाल दें। जीरे को भूनने के बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा उसको क्रश कर लेंगे और साथ ही हम उसके वो भी क्रश कर लेंगे, आपका नहीं वो छोटी इलायची और ज़ीरा और उसको धनिया भुने चने हैं ना, इसको हम वो कर लेंगे, रोस्ट नहीं करेंगे, रोस्ट हम करेंगे जीरे को और उसको खशखाश को, खशखाश भी भुनी हुई डालें तो उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर मिलता है। अब तो हमारे पास एक एक यार पेट में रखते हैं, चूल्हे पर चढ़ाएँ ज़रा ट्राई करें इसको जी। और कौन सा फ्रिज है? अरे नीचे मेरा काम ही नहीं है, पतीली को बिना ऑयल के चलिए और इसको इतना भूनने में पानी छोड़ दें, पानी छोड़ दें, हल्दी हल्दी की स्मेल को विदाउट ऑयल आपने पीने को लहसुन अदरक का पेस्ट और हल्दी से भूनना है कि वो बिल्कुल कच्चा पर मना हो जाए, उसकी पीने की स्मेल निकल जाती है। उसके बाद आप ऑयल डालें, मसाले ऐड करें, फिर आप अपना काम करें, आप देखिए पीने को बहुत घरों के अंदर मैंने सीखा आलू खाए और पकाया तो बड़ी स्मेल है, सिंपल तरीका ये है स्मेल निकालना, ये तो पहले आपने बताया था। बड़ा मत खुल गया आपका, थोड़ी सी करने को अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं ये कर रहा हूँ। इसे मैरिनेट करके 4 to 6 hours के लिए इसको रख दें, एक माचिस बाहर से बस बाहर ये बस नॉर्मल। अब क्या होगा कि हम क्या करते हैं, प्याज ब्राउन चूल्हा जलता रहता है, ब्राउन होती है कि निकालते निकालते वो आधी से और काली हो जाती है, नहीं इस स्टेज पे चूल्हा बंद कर दिया था, ठीक है? तो मेरे पास तो मैरिनेशन का टाइम नहीं है तो मैं इसको हमने थोड़ी बुनाई कर दी। दही और गोश्त अभी मजीद पानी छोड़ देंगे, इसको भी मैं गलने के लिए छोड़ रहा हूँ, कीमा गल जाएगा, गलने के बाद फिर इसकी सही से भुनाई करेंगे, ठीक है?
पे ही आता पता नहीं चलता हमें तो घर में वो आ जाता है अगर रोटी लानी है तो ले आए पर ज़्यादा नहीं लाइएगा और टेस्टी के लिए चार थोड़ी चार दस फ्रेंड भी गई क्या कर रहे हैं तो आप पीछे हट जाए ना अभी तो पूरी प्रोसीजर पूरी पूरी भुनाई की वीडियो बनानी है आपने भी बिरयानी बन तो अगर रोटी लानी है तो ले आए पर ज़्यादा नहीं लाइएगा और टेस्टी के लिए चार थोड़ी चार दस फ्रेंड भी गई क्या कर रहे हैं आप पीछे हट जाए ना अभी तो पूरी प्रोसीजर पूरी पूरी भुनाई की वीडियो बनानी है आपने भी बिरयानी बन तो गई थोड़ी सी हरी मिर्च इसमें डाल रहा हूँ थोड़ी सी अदरक इस स्टेज पर डाल रहा हूँ थोड़ा सा हरा धनिया इस स्टेज पर डाल रहा हूँ ठीक है बस फिलहाल के रखे पीछे और वो टेबल स्पून था ना चने खा रहे वो संभाल के रखिएगा बड़ा खारा मत टेबल स्पून देते ही हैं ये लोग नीचे बाहर में दूध होने के लिए अब आपने क्या करना है इस स्टेज पे यू ऑयल डाला और डन ऑयल पीछे रखो पनीर कितना सा होगा Yeah.